May I request you, sir, to please address the August gathering. Thank you. भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान नजीब जंग जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद जी, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी जी, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस बदर दुरैज अहमद जी, उपस्थित सभी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ महानुभाव, दिल्ली हाईकोर्ट के सभी वरिष्ठ महानुभाव, बार के मित्र, मुझे कभी कोर्ट में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि वहां बड़ा गंभीर वातावरण होता है और शायद उसका प्रभाव यहां भी नजर आ रहा है। पचास साल का अवसर मना रहे हो, कुछ तो मुस्कुराइए। डायस पर तो गंभीरता मैं समझ सकता हूं ताकि कोई गलत परसेप्शन न बन जाए, लेकिन यहां तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। पचास साल की यात्रा, इस कार्य को सब के सहयोग से यह मुकाम प्राप्त हुआ है, चाहे बाहर के मित्र हो, चाहे किसी जमाने में जो कंप्यूटर नहीं था कोई बाहर बैठकर टाइपिंग करता होगा पैर के नीचे, या कोई डायस पर बैठ करके न्याय तोलता होगा, या हो सकता है किसी परिसर में लोगों को चाय भी पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति होगा, हर किसी का इसमें योगदान है, अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन है। आज जब 50 साल मना रहे हैं तब हर किसी के कंट्रीब्यूशन का हम सहर्ष स्वीकार करें, उनके प्रति अपने कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करें, और हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस व्यवस्थाओं में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। हर एक का कोई न कोई सकारात्मक योगदान रहा होगा, और यही सकारात्मक कंट्रीब्यूशन का पुंज इंस्टीट्यूशंस की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, इंस्टीट्यूशन की अहमियत को बढ़ाता है, और दिनों दिन इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता अधिक महसूस होती है। मुझे विश्वास है कि भारत के संविधान के प्रकाश में देश के सामान्य नागरिकों की आशा आकांक्षाएं उसको पूर्ण करने में जिस किसी के पास जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, हर किसी ने करना चाहिए। आज 31 अक्टूबर दिल्ली हाईकोर्ट को 50 साल, आज 31 अक्टूबर भारत की एकता के लिए जीवन खपाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती भी है।
महात्मा गांधी के अनन्य सहयोगी के नाते जन सामान्य को अधिकार के लिए आंदोलित करना, एक बैरिस्टर के नाते जिंदगी गुजार सकते थे वो भी शायद इस परिवेश में उत्तम से उत्तम कैरियर बना सकते थे, लेकिन देश की आवश्यकता के लिए बैरिस्टर के नाते जिंदगी गुजारने के बजाय देश के लिए अपना सब कुछ आहूत करने के लिए निकल पड़े। सरदार साहब की एक बहुत बड़ी सेवा जो आज भी देश याद करता है कि आजाद हिंदुस्तान की शासकीय व्यवस्था को भारतीयता का रूप देना, ऑल इंडिया सिविल सर्विस जैसी व्यवस्थाओं को विकसित करना, एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन मैं मान सकता हूं। देशी एकता का तो था ही था, और हम देख रहे हैं कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में ऑल इंडिया सिविल सर्विस की इस व्यवस्था के कारण किसी न किसी मात्रा में एक तंतु जुड़ा रहता है, एक सेतु बना रहता है, और डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ अफसर भी उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि वो राष्ट्रीय परिवेश में चीजों को तोलता है, सोचता है और निर्णय प्रक्रिया में अपनी भूमिका अदा करता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विस के सपनों को अलग अलग रूप में देखा गया, धीरे धीरे उसमें इवॉल्व होते गई, कई व्यवस्थाएं खड़ी हुई। एक चर्चा का विषय रहा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, विवादों में रहा है, लेकिन लोकतंत्र का ये मूलभूत पिंड है वाद और विवाद और संवाद, चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। सरदार साहब ने जिस व्यवस्था को खड़ा किया था, जिसको आगे कई लोगों ने बढ़ाया था, यहां ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि हो सकता है इस मंथन को, क्योंकि हम लोग इसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और नहीं हम करेंगे तो कोई लाभ होगा, लेकिन यहां जो लोग बैठे हैं वो काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस देश का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, उपेक्षित, समाज के एकदम से नीचे के तबके से आने वाला व्यक्ति, क्या उसको भी इस चेन में, इस व्यवस्था में आने का अवसर मिल सकता है? क्या ऐसी कोई नई व्यवस्था बन सकती है क्या, जिसमें, क्योंकि अब पहले के जमाने में न्याय का क्षेत्र की सीमा का एक दायरा था, अब वो इतना विस्तृत हो चुका है और इतना ग्लोबल हो चुका है कि शायद पिछले 30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज उसका दायरा बहुत, न जाने कैसी कैसी समस्याएं अदालत के सामने खड़ी हो जाती हैं कि अदालत के लिए भी सवाल खड़ा हो जाएगा, अरे भाई ये कहां से विषय आया, क्या बैकग्राउंड है इसका, क्या पहलू है इसकी। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने दुनिया में अपनी जगह बना ली है, तो चुनौतियां बहुत बड़ी है, लेकिन चुनौतियों से भागना इंसान का स्वभाव नहीं होता है, चुनौतियों से रास्ते खोजना, कैपेबिलिटी बढ़ाना, अगर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है तो उसको जोड़ना। आज जब हम 50 साल एक व्यवस्था के मना रहे हैं, तब 50 साल के अनुभव के आधार पर हम आने वाले अपना रोड मैप कोई बना सकते हैं क्या? अब मिलकर के बनाना पड़ेगा, कोई एक जगह से चीजें हो नहीं सकती है, लेकिन इस देश के पास सामर्थ्य है, बन सकते हैं रास्ते, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, रास्ते खोजे जा सकते हैं और खोजने का अविरत प्रयास भी चलते रहना चाहिए। किसी भी चीज के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते,
और तभी जाकर के बदलाव संभव होता है। ये बात सही है कि अदालतों में जो लोग बैठे हैं उन्हीं के प्रयासों से और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से अल्टरनेट मैकेनिज्म को जो बल मिला है, गरीब लोग वहां चले जाते हैं, उनको संतोष होता है कि चलो भाई मुझे न्याय मिल गया। जैसा भी दिल्ली हाईकोर्ट का रिपोर्ट हमने देखा, हिंदुस्तान के सब जगह पे, और मैंने देखा है उसमें बार का भी कंट्रीब्यूशन है, जुडिशरी में बैठे हुए लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, और वो अपने काम के सिवाय का समय अपने व्यक्तिगत समय से निकाल करके इस काम को करते हैं, और उसके कारण गरीब मानवी को बहुत लाभ हो रहा है। एक अवेयरनेस भी आई है, लेकिन अवेयरनेस को हमें और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। सामान्य मानवी को शिक्षित करना होगा, जितना ज्यादा शिक्षित कर पाएंगे उतना लाभ होगा। ज्यादातर जुडिशरी का अधिकतम समय हम लोगों के पीछे जाता है, मतलब कि मोदी ने सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट सरकार होती है, हर मसले पर सरकार भिड़ती रहती है। मैं कभी हमारे सरकार के लोगों को कहता हूं भाई, एक टीचर अपने हक के लिए गया कोर्ट में, उसको न्याय मिला, वो जीत गया, उसी प्रकार के 10,000 टीचर के मसले लटके पड़े हैं, उसको आधार बना के 10,000 को पूरा करो ना। अब जुडिशरी का बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? नहीं पता नहीं उनके दिमाग में अभी बन नहीं रहा, उनको लगता है नहीं साहब वो इंडिविजुअल मसला था और कानून के दायरे में उस इंडिविजुअल को मसले को हम किसी को फिट नहीं कर सकते। पता नहीं, मैं इन सारी बारीकियों को तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि भाई हम इस बोझ को कम कैसे करें। दूसरा मैंने देखा है, शायद आज से 25-30 साल पहले राजनीति इतनी मीडिया ड्रिवन नहीं थी, और उसके कारण संसद में जो बहस होती थी, खास करके विधि निर्माण की, वे बहुत एक संविधान के प्रकाश में और भविष्य के लिए उपकारक और जन सामान्य की सुविधाजनक, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं विकसित करने की दिशा में कानून की चर्चा का दायरा रहता था। आज हम जब सदन में चर्चा करते हैं तो उसका रूप एक होता है, कौन सरकार लाई है उसके आधार पर तय होगा कि सामने वाला क्या कहेगा। अगर हम वहां बैठे तो हम वो बोलेंगे, हम यहां बैठे तो हम दूसरा बोलेंगे, ये हाल है हमारा। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी में मसला जाता है तो, क्योंकि वो मीडिया में रिपोर्ट नहीं होता है, वहां सब मिलकर के तय करते हैं कि देखो भाई कैसे करें। समय की मांग है कि विधि निर्माताओं, कानून बनाने में इतनी बारीकियों में जाएं, टैलेंट इनपुट हो इसमें, और जितने अच्छे कानून हम बना पाएंगे इतना शायद हम न्याय के क्षेत्र की सबसे बड़ी सेवा कर पाएंगे, और ये जिम्मा इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का है, हम लोगों का है। मैंने देखा है कि इन दिनों नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जो होनहार बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पहले मैं तो वो रूटीन कॉलेज में पढ़ते थे और बाद में लॉ करने जाते थे, इन दिनों इसको एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए देखा जा रहा है कि बहुत ही टैलेंटेड यूथ आज इन यूनिवर्सिटी से निकल रहा है।
उसमें जितना ड्राफ्टिंग कैपेसिटी वाला दायरा हम बढ़ाएंगे और ड्राफ्टिंग के लेवल पर ही हमें अगर अच्छा इनपुट मिलेगा और हम अच्छे कानून बना पाएंगे, कानून में बदलाव लाना है तो भी उस दायरे में बनाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन का या इंटरप्रिटेशन का स्कोप नैरो होता जाएगा। जीरो करना तो मुश्किल है लेकिन नैरो होता जाएगा, और जब इंटरप्रिटेशन और डिस्क्रिमिनेशन का दायरा नैरो हो जाता है तब अपने आप ब्लैक एंड व्हाइट पढ़कर के कोई तय कर सकता है जी हां ये मेरे हक का है, ये मिलकर रहेगा, दुविधा नहीं होती है। लेकिन ये कमी आज हम महसूस कर रहे हैं, इसको पूरा करना होगा, हम सबको मिलकर करना होगा। अगर इसको हम कर पाएंगे तो देश की सेवा ज्यादा अच्छी कर पाएंगे। मैं इस गोल्डन जुबिली अवसर पर दिल्ली बार के उन सभी महानुभावों को अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अनेक जजीज जिनकी सेवाएं इस कोर्ट को मिली होगी उनको भी अभिनंदन करता हूं, और भारत की न्याय व्यवस्था सदियों से उसका एक श्रद्धा का स्थान रहा है। हजारों साल से हम सुनते आए हैं, शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, एक श्रद्धा की स्थान जगह है ये, उस श्रद्धा रूप स्थान को चोट न पहुंचे, उसका गौरव बढ़ता रहे, उसका सामर्थ्य बढ़ता रहे, उसके लिए जो जहां है सबने अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी, सरकार में बैठे हुए लोगों ने विशेष निभानी होगी, और मुझे विश्वास है कि ये दिन हम करते रहेंगे, परिणाम लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।